हेलो एवरीवन टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट एंजाइम सो एंजाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं एंजाइम इज़ ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट या बायो कैटालिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर ये प्रोटीन नेचर के होते हैं लेकिन ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम सारी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होती बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन देखिए सभी एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये जो एंजाइम्स हैं कहाँ से सिंथेसाइज होती हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स ठीक है दी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी अदर नेम ऑफ एंजाइम्स जैसे बायो कैटालिस्ट बायो कैटालिस्ट इसलिए क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर करता है ऑर्गेनिक कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है जैसे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर इसको मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है सेल फर्मेंट्स सेल फर्मेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके फर्मेंटेशन में भी यू प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज़ दे आर प्रोटीन इन नेचर ये प्रोटीन नेचर के होते हैं सेकेंड दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन माइन्यूट क्वान्टिटीज़ ये कम क्वान्टिटीज़ में भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं नेक्स्ट है दे आर कोलाइडल ये कोलाइडल होते हैं नेक्स्ट थर्मोलेबाइल फिफ्थ ये है स्पेसिफिक इन एक्शन इनका जो एक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है जैसे कि एक एंजाइम या कोई अदर एंजाइम वो किसी बॉन्ड पे या किसी ग्रुप पे कैटालाइटिक एक्शन शो करते हैं जैसे कि पेप्टिडेज पैप्टीडेज एक एंजाइम है प्रोटीन का जो कि प्रोटीन में पैप्टाइड बॉन्ड होता है वहाँ पे कैटालाइटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट है ईच एंजाइम कैटालाइसिज ओनली वन पर्टिकुलर रिएक्शन प्रत्येक एंजाइम केवल एक ही पर्टिक एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है नेक्स्ट है दे आर इनएक्टिवेटेड बाई अल्ट्रेशन ऑफ पी एच एंड टेम्परेचर अगर हम एनजाइम का टेम्परेचर या पी एच चेंज कर दें तो वो इनएक्टिवेट मतलब वो डी भी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम तो बहुत तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं एंजाइम के जैसे पहला है बेस्ड ऑन देयर साइट मतलब वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं मतलब डिपेंड ऑन लोकलाइजेशन जैसे आपके एंजाइम्स दो टाइप्स के होते हैं डिपेंड ऑन देयर साइट सो पहला एक्सो एंजाइम इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम भी बोलते हैं क्योंकि ये सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है अदर सेल से जो कि सिक्रेट होता है टू दी अदर पार्ट्स ऑफ दी बॉडी बॉडी के अदर पार्ट्स में जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट होते हैं उसमें तरह तरह के आपके बहुत सारे एंजाइम्स आपके सिक्रेट होते हैं जो कि जगह जगह अपना वर्क प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स में जैसे से आपका पेप्सिनोजन है या ट्रिप्सिन है है ना ये सारे एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका जो अलग अलग मदर मतलब सिक्रेशन साइट है वो अलग अलग है जैसे कि अमाइलेज इन सलाइवा सलाइवा में जो अमाइलेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आता है नेक्स्ट है एंडो एंजाइम एंडो एंजाइम को हम इंट्रा सेलुलर भी कहते हैं ये हमारे सेल्स के आ, इन, ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है एंड यूज इन दी सेल्स और सेल में ही यूज़ हो जाता है जैसे कि सिट्रिक, सिट्रिक एसिड साइकिल या टी सी ए साइकिल आपकी माइट्रोकोडिया में प्रोड्यूस होती है उसके एंजाइन वहीं प्रोड्यूस होते हैं और उसी में ही यूटिलाइज हो जाते बेस्ड ऑन कम्पोजिशन अब एंजाइम भी कम्पोजिशन पे एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं एक सिंपल एंजाइम और कंजुगेटेड एंजाइम जो सिंपल एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं और जो कंजुगेटेड एंजाइम होते हैं वो एक प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता को को है उसको कोफैक्टर या कोंजाम कहते हैं को जो है फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है एंजाइम और सब स्टेट के बीच में जब आपका प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट मीन्स एप्पोन्जाइम और कोंजाम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो वो एक एंजाइम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम होलो एन्जायम को हम कंप्लीट एंजाइम बोलते हैं जो कंसिस्ट होता है आपके एप्पो से और कोफैक्टर से जैसे कि ये एंजाइम है ये एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड होता है और ये है को एंजाइम तो एंजाइम है जो प्रोटीन पार्ट से अटैच हो जाएगा कैसे इस तरह से ये आपका एपो एंजाइम है यहाँ आपका कोजाइम अटैच हो गया ठीक है ये आपकी एक्टिव साइट है, है? यहाँ पर आपका सबस्ट्रीट बाइंड हो जाएगा ठीक है देन आपका जो आपका जो ये वाला जो एंजाइम है जिसमें आपका एपो एंजाइम है और को एंजाइम है तो ये एंजाइम आपका कहलाएगा होलो एंजाइम ठीक है तब आपका जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएगा तब आपका बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन ये कन्वर्टेड हो जाएगा आपका प्रोडक्ट में और आपको जो एंजाइम है वो एनजाइम वो सॉरी रिएक्शन के एंड में आपको प्रोड्यूस हो जाए अब बात करते हैं प्रो और जाइमोजन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं प्रो एंजाइम प्रो मतलब प्रीकर्सर जब आपका एंजाइम का प्रीकर्सर फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं प्रो एंजाइम और जाइमोजन जैसे कि आपका ट्रिप्सिनोजन है यह आपका इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है आपकी बॉडी में लेकिन जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्जिस्ट करता है तब हाइड्रोजन आयन उसको एक्टिवेट करता है इन इन दी ट्रिप्सिन